हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट सी का अभ्यास 4 है। इस तरह के 16 से 17 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन का सीरीज है। डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे UPTGDPGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, चाहे अदर स्टेट का TGT PGT हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज MCQs, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चंस, सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, थ्योरी सेशन पढ़ा है, सबका नॉलेज चेक कीजिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिक्रिया का समय एक घटक है। प्रतिक्रिया यानी हम अंगों, किसी संकेत पर अंगों के द्वारा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अंगों की गति क्या है, अंगों की हरकतें क्या हैं, मोटर स्किल्स रिलेटेड हो जाती है, मोटर क्षमता से रिलेटेड हो जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोटर स्वच्छता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया जो रिएक्शन टाइम को मापती है वह है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका ये है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ए एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग यानी पैरों की विस्फोटक शक्ति को मेजर करता है। सार्जेंट जंप जिसे हम वर्टिकल जंप भी कहते हैं, यह भी आपका एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को ही मेजर करता है। एंड शटल रन यह एजिलिटी या स्पीड एंड्योरेंस को मेजर करता है। अब जो यहां पे क्या पूछा है, रिएक्शन टाइम को कौन मेजर करता है, तो वह है स्टिक ड्रॉप टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टिक ड्रॉप टेस्ट। नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेशन किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी या संबंध प्रत्यावर्तन अनुकूलन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, जैसा कि इसके बारे में आप मेरी थ्योरी वाले सेशन को देख सकते हैं, पावलोव के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है जिससे अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, तो दोस्तों हम भार में थोड़ा वृद्धि करके, जितना हम मिनिमम आपको भार दे रहे हैं उससे थोड़ा सा हम आपके भार को बढ़ाएंगे, तो उससे आप अनुकूलन उसमें कर लेंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस उसके लेवल पर बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए आपको दिक्कत होगा, पर दिक्कत होते होते जो है आप उसमें अनुकूल हो जाएंगे। तो ये आपके निष्पादन क्षमता के लिए, परफॉर्मेंस के लिए को बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पे आपका भार का, भार के अग्रगमन का सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म विश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को कहते हैं। तो दोस्तों, आत्मविश्लेषण, अपने आप बातें कर रहे हैं, अपने आप में विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें अपने व्यवहार के निरीक्षण को कहते हैं अंतर्निरीक्षण विधि। क्या कहते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को कहते हैं। तो ज्ञान पक्ष, उसमें बोध की बात होती है, तो इसको हम बोलेंगे बोध पक्ष।
नेक्स्ट है निम्नतर तथा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को कहते हैं। तो दोस्तों चाहे निम्नतर प्राणी हो चाहे उच्चतर प्राणी हो, उसके व्यवहार के विशेष रूप से जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट दोस्तों खेलकूद में संवेग के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन है? तो वह है आपका उदात्तीकरण, सबलिमेशन। नेक्स्ट दोस्तों इस परिभाषाओं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हैं, संगठन और प्रशासन से रिलेटेड। नेक्स्ट है संगठन प्रमुख रूप से वी व्यवस्थाएं करने से संबंधित है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों जेके सियर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में से किसी समूह की किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई समान क्रियाएं ही संगठन के अंतर्गत आती है। जब व्यक्ति पारस्परिक संबंध बनाने में संलग्न होते हैं तथा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक व नियमित व्यवहार अपनाते हैं तभी संगठन का प्रादुर्भाव होता है, यह कथन किसने कहा है? दोस्तों इस कथन को कहे हैं एस मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे या संरचना का निर्माण किया जाता है, यह कथन यह विचार किसका है? तो यह विचार है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट है संगठन कार्य करने की मशीन है, यह विशेषता व्यक्तियों सामग्री विचारों प्रत्ययों प्रतीकों नियमों व कानूनों अथवा अक्सर इनके सम्मिश्रण से निर्मित होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आर्थर बी मोहिलमैन का, इन्होंने संगठन को कार्य करने की मशीन बोला है। तीस की पॉइंट्स आप इनके परिभाषा को जान सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से है, निम्न से किसका कथन है? तो संगठन का संबंध संरचना और मानव संबंध दोनों से है, इस बात को कहे हैं डिमॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यानी प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यह लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित निम्न विचारधारा ने किया, तो यहां भी आपका हो जाएगा कॉमर्शियल विचारधारा। यानी आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुआ। और ये किस विचारधारा ने किया? तो कॉमर्शियल विचारधारा ने। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण शिक्षक के शिक्षण कार्य के नियम और शिक्षण सेवा में सुधार लाने से संबंधित है, निम्नमें से किसका कथन है? यह कथन है बर्टर का। किसका कथन है? बर्टर का। यानी इन्होंने बर्टर ने क्या कहा है कि जो पर्यवेक्षण है वो शिक्षक के शिक्षण कार्य के नियम और शिक्षण सेवा में सुधार लाने से संबंधित है। पर्यवेक्षण एक प्रकार का दोस्तों निरीक्षण है, किसी कार्य को कैसे संपादन हुआ क्या कमी रहा ये सब देखने के लिए। नेक्स्ट पर्यवेक्षण शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है।
क्या है? पर्यवेक्षण जो है शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, ये बात सही है दोस्तों, ये कथन इसमें से किसी का नहीं है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो पर्यवेक्षण है वो शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन शब्द, रिक्रिएशन शब्द क्या है? रिक्रिएशन यानी जो मनोरंजन है, रिक्रिएशन शब्द मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? दो लैटिन भाषा के दो शब्दों री प्लस क्रिएशन, मतलब री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी मनोरंजन शब्द रिक्रिएशन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पुनः निर्माण करना। नेक्स्ट है हिंदी का मनोरंजन शब्द मिलकर बना है, तो मनोरंजन मनः धन रंजन, यहां पे क्या हो जाएगा? मनः धन रंजन यानी मन को आनंदित करने वाला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से मानक लक्ष्य सबसे अधिक परिवर्तनशील है? तो यहां पे है मैनर्स यानी शिष्टाचार, रूढ़िया स्टैंडर्ड, जनरीतियां जनरल्स, ये तो धीरे धीरे आपकी परिवर्तित होती हैं। एक बार रूढ़ी जो बन जाता है समाज इतना जल्दी परिवर्तित नहीं कर पाता है, जैसे कि जो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, जनरीतियां हो गया, शिष्टाचार हो गया, लेकिन फैशन जो है सबसे अधिक परिवर्तनशील यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आदर्श समूह की अपेक्षाएं हैं। सामाजिक आदर्श क्या है? समूह की अपेक्षाएं हैं। समूह मानक लक्ष्य की यह परिभाषा किसने दी है? कि सामाजिक आदर्श जो है समूह की अपेक्षाएं हैं, इस बात को किसने कहा है? तो किम्बल यंग ने कहा है, किम्बल बंग ने कहा है। नेक्स्ट है मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में सामाजिकरण का सर्वप्रथम साधन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में सामाजिकरण का प्रथम साधन परिवार है, द्वितीय साधन में आपका पड़ोस, विद्यालय, सामाजिक वर्ग, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है अगर बिहार राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्न में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? तो दोस्तों उसके आयु मानक के अनुसार हम उसका मानक तैयार करेंगे कि 16 वर्ष के आयु के लिए कौन सा एक्सरसाइज अच्छा होगा, कौन सी क्रिया हो अच्छा होगा, कौन से सब्जेक्ट अच्छा होगा, कहाँ तक का नॉलेज उसका है, ऐसा हम आयु के स्तर से हम उसके सभी कुछ निर्धारित करेंगे, क्योंकि उसके आयु से ज्यादा हम उसको कार्य नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आयु मानक का निर्माण निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आयु मानक का निर्माण जो है वैसे सिलगुण जो व्यक्ति के उम्र बीतने बताने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन दिखलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन वह अनुभव अथवा क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है, क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत आनंद तथा संतोष मिलता है, यह कथन किसका है? यह कथन है बटलर जेडी का। इन्होंने मनोरंजन को अनुभव अथवा क्रिया कहा है वह जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेता है, जिसको व्यक्तिगत आनंद और संतोष मिलता है, इस बात को कहे हैं बटलर जेडी ने। नेक्स्ट है मनोरंजन एक गति नहीं है अभी तो एक संवेग है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, यह कथन किसने कहा है? इस कथन को कहे हैं साल्सन ने। ठीक है, मनोरंजन को एक संवेग बोले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, यह कथन किसके शब्दों में है? तो दोस्तों यह कथन है मार्टिन ने के शब्दों में,
इन्होंने जो खेल ट्रेनिंग को एक योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया माना है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस बात को कहे है मार्टिन ने। नेक्स्ट है खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी का मौलिक स्वरूप है। खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी का मौलिक स्वरूप है इस कथन को कहे हैं मैट विमेव ने। नेक्स्ट है खिलाड़ी का आधार एवं नींव प्रदान करने के लिए सामान्य ग्रामक योग्यताओं या गुणों का विकास सामान्य अनुकूलन कहलाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत है सामान्य अनुकूलन। नेक्स्ट है खेल ट्रेनिंग के गामक गुणों एवं योग्यताओं का विकास चाल शक्ति और तकनीकी कौशल के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत है दोस्तों विशिष्ट अनुकूलन। कौशल शब्द या खेल ट्रेनिंग शब्द आ जाए, कौशल शब्द यानी खेल के अनुसार चाल सहन शक्ति तकनीकी का प्रयोग, यहाँ विशिष्ट अनुकूलन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करना होता है एवं खेल ट्रेनिंग की प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलने वाली एवं प्रदर्शन युक्त होती है। यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है खेल प्रतियोगिता प्रदर्शन। नेक्स्ट है खेल एवं खेल प्रदर्शन प्राप्त करने की खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया। खेल एवं खेल प्रदर्शन प्राप्त करने की खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो यह क्या कहलाती है? योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाएगी मैक्रो चक्र। जो ट्रेनिंग साइकिल के 3 चक्र हैं, मैक्रो चक्र, मेजो चक्र और माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र आपका 3 से 12 महीनों तक, मेजो चक्र जिसे हम अवस्थान चक्र या मासिक ट्रेनिंग चक्र भी बोलते हैं वह 3 से 7 सप्ताह तक, एंड जो माइक्रो चक्र होता है सबसे सूक्ष्म चक्र वो 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक ट्रेनिंग या 3 से 7 सप्ताह तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मीजो चक्र। नेक्स्ट है साप्ताहिक ट्रेनिंग या 5 से 7 दिन तक ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। संस्कृत भाषा की किस धातु से हुई है? युज धातु से हुई है। नेक्स्ट है योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है। यह कथन किसका है? तो इस बात को बोले हैं संपूर्णानंद ने। योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है, इस बात को कहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद ने। नेक्स्ट है सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। इस बात को किसने कहा है? इस योग शास्त्र की यह बात है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही क्या है? योग है। नेक्स्ट है जो मनुष्य आहार विहार में, दूसरे कर्मों में और सोने जागने में परिस्थित रहता है उसका योग दुखनाशक होता है। निम्न विचार योग के संदर्भ में कौन व्यक्त किया है, किसके द्वारा व्यक्त किया गया है?
दोस्तों यह बात कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता में। नेक्स्ट है चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया रोक देना योग कहलाता है। निम्न कथन किसका है? योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया रोक देना योग कहलाता है, यह बात कहे हैं महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट है कर्म करने की निपुणता ही योग है, यह कथन किसमें बताया गया है? तो यह कथन है भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की निपुणता ही योग है, इस बात को कहा गया है भगवत गीता में। नेक्स्ट है योग का अर्थ समाधि है, योग समाधि, योग को समाधि कहे हैं कौन? योग को समाधि कहे हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है, इस बात को किसने कहा है दोस्तों? इस बात को महात्मा याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। नेक्स्ट है योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा में परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है, इस बात को कहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य सारी शिक्षा का प्रयोग करता था, तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है सारी शिक्षा का प्रयोग किसके लिए करता था? रक्षा तथा भोजन हेतु करता था, ठीक है। उस समय इतना विकसित कुछ भी नहीं हुआ था, तो अपने सारी शिक्षा का प्रयोग अपनी रक्षा और भोजन हेतु जानवरों को मारकर खाने के लिए करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? तो दोस्तों भाला फेंका जाता था, घुड़सवारी, धनुर्विद्या भी होता था, नृत्य और गायन भी होता था, बट जिम्नास्टिक नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है ईसा के 2500 ईसा पूर्व जो चीनवासी थे किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? तो ईसा 2500 ईसा पूर्व में चीन के वासी रोग निवारण करने हेतु शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे, किसके लिए? रोग निवारण हेतु। नेक्स्ट अनैच्छिक मांसपेशी में जल तथा विद्युतीय अपघटकों इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशंस में असंतुलन होने से किस चोट की संभावना बनी रहती है दोस्तों? तो इसमें आपका मसल्स स्पॉजम एंड मसल्स क्रैम्प दोनों हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, क ख दोनों। नेक्स्ट है मांसपेशियों का कठोर होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन है ये मांसपेशी टेंडन की चोट है, अधिक खिंच जाने से होता है। जो क्रैम्प होता है अनैच्छिक पेशियों में एकाएक ऐठन हो जाना, इम्बेलेंस हो जाना, विद्युतीय अपघटकों की कमी हो जाना, या अधिक गर्मी में जाना या अधिक ठंडी में जाना, ये आपका कारण होता है। हेमाटोमा क्या हो जाता है? मांसपेशी उत्तकों में एकाएक चोट के कारण उसमें रक्त का या तरल उत्तक का जमा हो जाना, तरल द्रव का जमा हो जाना ही हेमाटोमा कहलाता है। तो यहाँ पे आपका मांसपेशी का कठोर होना क्या कहलाएगा? मसल्स स्टिफनेस, ठीक है, मसल्स स्टिफनेस। तो दोस्तों ये था आपका 50 MCQ क्वेश्चंस। आप आज का क्वेश्चन कुछ आपके लिए हार्ड लगा होगा, बट सभी आपके डिफिनेशन से रिलेटेड है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। सभी डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।